आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, काफ़ी लोग हमसे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि अर्जुन छाल के बारे में एक वीडियो बनाइए, अर्जुन छाल का क्या डेटा अवेलेबल है, क्या उसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उसके बारे में बात करिए। काफ़ी दिनों से इस बारे में हमें डिमांड आ रही थी। यूजली देखिए, मैं एज एन एलोपैथिशियन यूजली इस को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा शायद आपको ये वीडियो थोड़ा सा बायस लगे, क्योंकि मैं यूजली इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करता हूँ। बेसिकली इसका ज़्यादातर रीज़न ये है कि एलोपैथी में आज के डेट में इतनी अच्छी हार्ट की मेडिसिन अवेलेबल है, जिनका प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस है कि वो हार्ट के पेशेंट्स में बेनिफिट करती है, इसीलिए ज़्यादातर मैं उन्हीं को ट्रस्ट करता हूँ। और दूसरा, आयुर्वेदिक और इस तरह की प्रिपरेशंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती या नहीं कर सकती, ये ऐसा है कि इनके साथ कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है, इनके साथ कोई बड़ी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई भी USFDA या उसको कोई भी मानक अगर अप्रूवल देता है तो उससे पहले बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं। एक भी अगर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट मिलता है जिसकी वजह से पेशेंट की मोर्टैलिटी बढ़ती है या पेशेंट को प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ सकता है, पेशेंट को परमानेंट कोई चीज़ का डैमेज होता है, देखिए छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चक्कर आना, कमजोरी होना या इन्फेक्शन थोड़ा हो जाना या इस तरह की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, एसिडिटी होना, अगर कोई भी चीज़ों में सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है जो उनको ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ेगा, तो उस चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चीज़ों में इस तरह की बड़ी रिसर्चेज नहीं अवेलेबल है, इसलिए मेरा रीज़न ये है कि मैं इनको ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बॉडी में जाने के तरह बात किस तरह से बिहेव करेंगी वो ज़्यादा आइडिया किसी को भी नहीं है, ना लिखने वाले को और ना प्रिस्क्राइब करने वाले को, ना खाने वाले को। बेसिकली देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ जो नेचुरल है वो अच्छी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों का क्या लगता है कि नेचुरल है, भगवान ने बनाई है तो डेफिनेटली ये अच्छी ही होगी, भगवान बुरी चीज़ कैसे बना सकता है। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से हम चले तो सांप का जहर भी नेचुरल है, धतूरा या नेचर में मिलने वाले 50 तरह के पॉइजन्स भी नेचुरल है, तो इसका मतलब शेर भी नेचुरल है, सारे जंगली जानवर भी नेचुरल है, तो ये भी कोई बुरा नहीं कर सकते। तो फिर आपको डेफिनेटली सांप का जहर पीना चाहिए या सांप को काटने के लिए आपको इनवाइट करना चाहिए, शेर के साथ आपको मस्ती मजाक करना चाहिए कि भाई आओ मुझे खा जाओ। तो हर नेचुरल चीज़ अच्छी होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नेचर में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। उस चीज़ को प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के साथ और प्रॉपर रिसर्च के साथ अगर हम अपनी साइंटिफिक प्रैक्टिस में यूज़ करें तो डेफिनेटली उसका मतलब है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट नेचुरल है और वो अच्छा है, ऐसा कह पाना मुश्किल है। ये सारी चीज़ों के साथ कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं, और रिसर्च का मतलब, मेरा रिसर्च से मतलब ये नहीं है कि साहब मैंने 50 लोग को दिया और उसमें लोगों को फ़ायदा हुआ तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि 50 लोगों को फिर से फ़ायदा हुआ, तो मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी थोड़ी की, मैंने तो कोई उसका कोई डेटा थोड़ी बनाया कि इसमें 50 लोगों में कितनों को साइड इफेक्ट हुआ। और क्योंकि मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ तो अगर छोटा मोटा कोई साइड इफेक्ट होगा भी या किसी को सीरियस साइड इफेक्ट होगा भी तो भी मैं इसे इग्नोर करूँगा कि ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट है, मैं कैसे मान लूँ कि ये साइड इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कोई और कारण से हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए साइंटिफिक डेटा जब तक या रिसर्च अवेलेबल नहीं होती तब तक इनको आप एक्सेप्टेबल फैक्ट्स या ट्रू फैक्ट्स नहीं मान सकते, क्योंकि बाकी सारी पैथीज में यही प्रॉब्लम है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रिडोमिनेंटली यही कारण है कि ये सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने बहुत कम लोगों को देखा गया होगा, कोई लोग फैंसी से या अपने इच्छा से लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर अदरवाइज वहाँ की गवर्नमेंट कभी इसको प्रमोट नहीं करेगी, वहाँ का कोई इंश्योरेंस सेक्शन इसको प्रमोट नहीं करेगा, वहाँ के किसी हॉस्पिटल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, वहाँ का कोई डॉक्टर आपको ये लिख के नहीं देगा। अगर आप किसी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ और वो आपको ये लिख के देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे USFDA के स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी लिखा तो उसकी डिग्री कैंसिल और उसको भगा दिया जाएगा घर। तो वहाँ पे क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, इसलिए कोई डॉक्टर आपको ये लिख के कभी नहीं देगा, कोई हॉस्पिटल आपको ये प्रिस्क्राइब कभी नहीं करेगा वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि इनके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आप बिना USFDA अप्रूवल के या बिना कोई यूरोपियन गाइडलाइंस के अप्रूवल के आप कोई भी चीज़ मार्केट नहीं कर सकते। लोग अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से लेना चाहें तो वैसे सेंटर्स हैं आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के, वहाँ पे भी जहाँ लोग जाते हैं और लेते हैं इस तरह की थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के तरह से इनको प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन कोई रेगुलर एलोपैथिशियन या रेगुलर प्रैक्टिशनर उसको नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, उसका आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट ही होगा, वही प्रिस्क्राइब करेगा और पेशेंट एट हिज रिस्क अगर लेना चाहे तो ले सकता है, पर रूटीनली बाकी दवाइयों के साथ इसे मिक्स कभी नहीं किया जाता। मेरा भी वही लॉजिक है कि
जब तक इन चीज़ों के लिए साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं हो तब तक मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता। तो इसलिए मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में यही बोला है कि अर्जुन रिस्ट का जो भी बेनिफिट है मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, मैंने आज तक किसी पेशेंट में कभी यूज़ नहीं किया। बेसिकली इसका हार्ट फेलियर में थोड़ा बहुत रोल है, उसका रोल ये है कि सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप जो है जो सेल्स के कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करता है उस पंप पर ये एक्ट करता है। सेल्स का कैल्शियम जो बाहर निकलता है उसको वही ब्लॉक करता है, तो कैल्शियम सेल्स के अंदर रहता है जिससे सेल्स की थोड़ी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव होती है। सेम काम एलोपैथी में एक डिजॉक्सिन करके दवा है, वो भी वही काम करती है, लेकिन वो दवा को काफ़ी टॉक्सिक पाया गया है। अर्जुना झाल के साथ भी कुछ स्टडीज़ हुए थे एलोपैथिक प्रैक्टिस में कि इसको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, पर इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स उन्होंने देखे, बहुत सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने इसको नहीं यूज़ किया। आज की डेट में एलोपैथिक प्रैक्टिस में इसको कहीं पर भी पढ़ाया या प्रीच नहीं किया जाता। मैंने अपनी किसी किताब में इसके बारे में कोई डेटा नहीं देखा या कभी किसी एलोपैथिक की कोई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल किताब में इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है, तो वो इस पर इस चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि इस चीज़ों का लिए कोई ज़्यादा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। बेसिकली ये हार्ट फेलियर में थोड़ा सा रोल है, पर वो भी कोई क्लियर कट रोल अवेलेबल नहीं है। आज के डेट में कई मेडिसिन एलोपैथिक प्रैक्टिस में अवेलेबल है जो हार्ट फेलियर में क्लियर कट जिनका रोल है, जिनका मोर्टैलिटी बेनिफिट बड़ी बड़ी स्टडीज़ में 20-20, 30-30% तक मोर्टैलिटी बेनिफिट शो किया गया है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो मॉलिक्यूल का डाउटफुल रोल है, साइड इफेक्ट्स पर भी डाउटफुल रोल है, उसको लेने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली हार्ट फेलियर में थोड़ा रोल आप माना जा सकता है, यानी सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनका हार्ट फेलियर बाकी चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर इसका कंजीनर जो डिजॉक्सिन है वो भी उसी एंजाइम लेवल पर काम करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप पर काम करता है कार्डियक सेल्स में। वो दवा काफ़ी टॉक्सिक पाई गई है और वो दवा आजकल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम केस में इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर या पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा हो तो ही यूज़ किया जाता है, लो डोज में यूज़ किया जाता है। वो दवा का आजकल आउटडेटेड एक तरह से हो गई है माना जाता है। तो सिमिलरली अगर वही रिसेप्टर पे एक ऐसी चीज़ काम कर रही है जिसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको भी उतना इफेक्टिव नहीं मानूंगा। कुछ आर्टिकल्स मुझे इस पर मिले थे अर्जुन रिस्ट पर, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अर्जुन रिस्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंटेड या डिस्कस्ड बेनिफिट्स है उस बारे में बात करेंगे। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें उनका बेनिफिट वैसे ही है जैसे हम फल सब्जियों की बेनिफिट्स की बात करते हैं। फल सब्जियों का बेनिफिट भी हम मानते हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, इसमें ये फ्लेविनॉइड है या इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है जो फ़ायदा करेगा, लेकिन कोई बड़ी स्टडी नहीं है और वो एग्जैक्टली कितना फ़ायदा करेगा, कितना मोर्टैलिटी बेनिफिट देगा, वो क्लिनिकली यूज़फुल है भी कि नहीं, और वो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो एक्चुअल में उतने लो कॉन्सेंट्रेशन में या उतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ़ायदा ही कर रहा है या नुकसान कर रहा है, ये सब किसी को कुछ नहीं पता रहता। इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें चीज़ों को कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में ये पदार्थ को देना, मैं देना डेली डोजिंग होना चाहिए तो फ़ायदा करेगा, कितने में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कितने में असर नहीं करेगा, वो कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता, सब अंदाज से ही काम चलता है। तो इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि भले आप कुछ भी क्लेम करो कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, इसमें ये है वो है, पर इवन एंटीऑक्सीडेंट फुल ब्लोन जो विटामिन ई और ये सब चीज़ें भी देखे जो स्टडीज़ किए गए वो भी पूरी तरह से फेल हुए हैं कुछ भी बेनिफिट शो करने में। कई स्टडीज़ ऐसे भी हुए हैं जिसमें पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट दिया गया महीनों सालों तक और टेस्ट किया गया कि उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और बाद में पाया गया कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट देने से। जो रेगुलर पेशेंट है जिसको एंटीऑक्सीडेंट नहीं दिया गया और कुछ हज़ार पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट दिया गया, कोई बेनिफिट डिफरेंस फाइंड नहीं हुआ। ये ट्रायल ऑलमोस्ट 20 साल पहले एक प्रूव इट करके ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने पाया। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स में ऐसा मान सकते हैं कि कुछ बेनिफिट होगा लेकिन कोई प्रूवन बेनिफिट एक्चुअल में हो भी रहा है कि नहीं इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपकी इच्छा से आप लेना चाहें, अपनी रिस्क पर लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट होगा एक्चुअल में नहीं कह सकते। और दवाइयों के बदले बिल्कुल नहीं लेना है। कई लोग ऐसा होता है कि साहब अर्जुन रिस्ट से भी खून पतला होता है, इससे भी होता है, तो हमने दवा बंद कर दी, हम ये खा रहे हैं, वो बिल्कुल मत करिए। दैट इज़ अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, और उसमें आप जो चीज़ एक्चुअल में प्रूवन बेनिफिट है उसको बंद करके अनप्रूवन चीज़ों को ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा होने के बदले डेफिनेटली नुकसान ही होगा। अर्जुन रिस्ट के टॉपिक पर आते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इनिशियली उसका जिस पर बात करेंगे, ये हार्ट की हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करता है, एंजाइना के रिस्क को कम करता है यानी पेन के रिस्क को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रोवाइज़ करता है, गट यानी आपकी आंतों के मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लिवर और किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर को बेटर करता है, डायरिया के मैनेजमेंट में अच्छा है, हेल्दी सेल्स को ग्रो करता है इसलिए कैंसर्स में भी अच्छा माना गया है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए अच्छा है, कान के इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए अच्छा है, फर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंट होने की ये सब बच्चे होने की क्षमता उसको इम्प्रोवाइज़ करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है,
स्किन की एजिंग को इम्प्रूव करता है, मुंह के छालों में फ़ायदेमंद है, एक्नी और स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छा है। लास्ट में हम बात करेंगे अर्जुन टी कैसे बनाया जाता है, जिस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली अर्जुन रिष्ट के बारे में बहुत हज़ारों सालों से इस बारे में बात है। अर्जुना टर्मिनलिस करके पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाया जाता है। इसका कुछ कार्डियो प्रोटेक्टिव और हेल्दी इफेक्ट है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। ऑलमोस्ट 1200 साल से इसका मेडिसिनल वैल्यू के बारे में पता है, और ऋग्वेद में 700 BC यानी आज से 3000 साल पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई है, यानी उस ज़माने में भी इसको यूज़ किया जाता था एज अ कार्डियक टॉनिक, यानी जिनको भी हार्ट का वीकनेस है उसमें यूज़ किया जाता था, और कई बार कोई वूंड्स है, इंजुरीज है, उसमें भी भरने में कुछ मदद करता है, हार्ट की जो डैमेज हुआ है उसको भी रिकवर करने में मदद करता है, ऐसा उस ज़माने में डेटा में उन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले इनकी बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस बेनिफिट है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हार्ट के डैमेज को रिकवर करते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं हार्ट की कंडीशन को। इसमें बॉडी के कैटलेज, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथायोन करके एंजाइम्स रहते हैं, ये सारे हार्ट को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें कार्डिनोलाइट्स करके एक सब्सटेंस होता है, जो कि मैंने बोला कि हार्ट के पंप फंक्शन को इम्प्रोवाइज करता है, नलियों को बेटर करता है, और हार्ट के चारों जो लिम्फैटिक सिस्टम रहता है उसके सिस्टम को थोड़ा इम्प्रोवाइज करता है, उसमें क्लॉट होने को प्रिवेंट करता है, तो हार्ट में ब्लड फ्लो थोड़ा बेटर होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी इम्प्रोवाइज होती है, ऐसा स्टडीज़ में बोला गया। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इसमें कितना एक्चुअल बेनिफिट है और एक्चुअल में कितना बेनिफिट ये कर रहा है, और 5% बेनिफिट कर रहा है कि 10% कर रहा है कि 100% कर रहा है, वैसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। लोग ट्राई करते हैं इस तरह के बेनिफिट्स के लिए, पर ये सारे क्लेम्स होते हैं, ज़्यादा एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस इसमें हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एंजाइना के, यानी हार्ट के पेन के बेनिफिट को, प्रॉब्लम को कम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप को नलियों में कम करता है, जिसकी वजह से हृदय के नलियों में ब्लॉकेज होता है और लोगों को पेन डेवलप होता है, तो उसमें कंपैरेटिवली ये बेटर पाया गया। कुछ छोटी स्टडीज़ में उन्होंने पाया गया कि जो लोग एंजाइना के पेशेंट्स हैं उसमें अर्जुना रिष्ट को अगर वो दिन में 2 बार ले रहे थे तो 1-2 हफ्ते में उनको कुछ बेनिफिट मिला, पर ये एक बहुत छोटी स्टडी है जिसको सिर्फ 7 दिन तक ही कंटिन्यू किया गया था और कुछ लोगों में किया गया, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जो लोग ने इसे 3 महीने तक लिया गया या उसमें ऐसा इन्होंने कहा है कि हृदय का जो वाल्व का लीकेज होता है हार्ट अटैक की वजह से, उसमें कुछ बेनिफिट पाया है, पर अगेन ये कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं है। नेक्स्ट है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्डअप करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। जिन लोगों को नली के ब्लॉकेज है उसके लिए कुछ लोगों में अच्छा पाया गया है। इसको बाकी दवाइयों के बदले मत लीजिए, बाकी दवाइयों के साथ ले सकते हैं, कितना फ़ायदा करेगा मुझे भी नहीं पता, कर सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है गट यानी आंतों की हेल्थ के लिए बेटर है। पेट की लाइनिंग स्टमक की जो होती है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करता है, उसमें एसिड के अटैक्स को कम करता है, एसिडिटी के चांसेस को कम करता है। कुछ एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो पेट में होने वाले एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो इन्फेक्शन जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस और अल्सर होते हैं उसको कीटाणु को मारने में मदद करता है, तो इसलिए आंतों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसी तरह से इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो लिवर और किडनी की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। लिवर के हेल्थ के में इसमें जो बाइल यानी पित्त का जो प्रोडक्शन है उसको बेटर करता है, और जो लोग को लिवर का प्रॉब्लम यानी सिरोसिस है, लिवर सड़ चुका है, उनके लिए भी अच्छा है। इसमें अगर इसको अर्जुन बात की छाल को अगर हम क्लैरिफाइड बटर के साथ अगर इसको प्रिपेयर करते हैं, तो जो लोग को रात को पेशाब आने का प्रॉब्लम रहता है, रात को नॉक्ट्यूरिया होता है, पेशाब ज़्यादा होती है, वैसे लोगों के लिए अच्छा माना गया है, और किडनी और ब्लैडर के स्टोन्स के लिए अच्छा माना गया है। तो जिन लोग को भी एक्सेसिव रात को यूरिन होता है, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो या कोई और कारण से हो, तो इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से यूरिन रात को कम होता है, तो उन लोगों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए अच्छा पाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। इसलिए जब भी डायबिटिक पेशेंट में आप इनको लिख रहे हैं या खा रहे हैं, थोड़ा सा आपके डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा कम भी हो सकता है, तो इसमें कोई कंट्रोल वे में काम नहीं करता है, कुछ ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। तो जिन लोग को भी अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा बेटर है, लेकिन बाकी मेडिसिन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा शुगर लेवल्स भी कम हो तो थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है जिसकी वजह से गोनोरिया यानी फीमेल को जो जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी अच्छा है।
ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के ग्रोथ को भी कम करता है, अनहेल्दी कैंसर सेल्स के ग्रोथ को कम करता है, तो इसके लिए अच्छा है, कैंसर वाले पेशेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डायरिया, डायरिया वाले पेशेंट में भी आंतों की म्यूकोजा को इम्प्रूव करता है, आंतों के सेल्स का जो डैमेज है, उनकी जो लाइनिंग का डैमेज है उसको इम्प्रोवाइज करता है, तो डायरिया वाले पेशेंट्स में भी और गट का जो इनको इन्फेक्शन हुआ है उनके पेशेंट्स में भी ये इसे अच्छा पाया गया है। अगेन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको आप रेगुलर दवाओं के बदले लें, इसको आप साथ में ले सकते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिल सकता है, पर कितना एग्जैक्टली मिलेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकल एस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, जिन लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन है या लंग्स की नलियाँ सिकुड़ गई है उनके लिए अच्छा है, ब्रोंकल एस्थमा वाले पेशेंट में इसको लिया जा सकता है। ब्रोंकल एस्थमा की सेल मतलब सेल्स की जो म्यूकस लाइनिंग अफेक्ट हो जाती है, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, वो सारे पेशेंट्स में इसको अच्छा पाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कान के इन्फेक्शन यानी ईयर इन्फेक्शन के लिए अच्छा माना गया है, जिन लोगों को भी कान का इन्फेक्शन है और कंट्रोल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए इसको लिया जा सकता है। एक्चुअली उसे पूरा कान का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा ये नहीं कह पाना मुश्किल है, पर थोड़ा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। फर्टिलिटी से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि स्पर्म सेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करते हैं और फीमेल की जेनाइल ट्रैक की म्यूकोजा को भी इम्प्रोवाइज करते हैं, तो जिन लोग को भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्टिलिटी के लिए ले रहे हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिन लोग को भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डायरिया वगैरह हो रहा है, खाना नहीं पचता है, पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है डायरिया की वजह से, तो वैसे पेशेंट में ये गट के सिस्टम को इम्प्रोवाइज करता है, डायरिया को कम करता है, सेल के म्यूकोजा को लाइनिंग को बेटर करता है, उनको हेल्दी करता है, तो डायरिया वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। स्किन की एजिंग वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो लोग की चमड़ी उम्र की वजह से धीरे धीरे फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से जल्दी एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, ज़्यादा उम्र दिखती है, तो वैसे लोगों के लिए भी अच्छा है। स्किन में डार्क स्पॉट्स अगर हो जाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट है मुंह के छालों वाले पेशेंट्स में, जिन लोगों को भी ओरल अल्सर्स हैं उसके पेशेंट्स में भी थोड़ा उसके लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि सेल्स की हीलिंग को इम्प्रोवाइज करता है, तो जिन लोगों को भी मुंह के छाले हो गए उसमें म्यूकोजा को इम्प्रोवाइज करता है और जो छेद वगैरह हैं या छाले हो गए उसमें हीलिंग में थोड़ी बेटर करता है उसके चांसेस को। इसके अलावा जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है या स्किन के प्रॉब्लम है वहाँ पे भी सेल्स का लाइनिंग का हीलिंग का इशू रहता है, तो वहाँ पे भी ये बेनिफिशियल पाया गया है। सेल्स में जो पोर्स वगैरह बन जाते हैं उसमें जो पोल्यूटेंट्स वगैरह रहते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है, सेल्स की हीलिंग को बेटर करता है, तो जिन लोगों को भी एक्ने का प्रॉब्लम है उनके लिए भी इसे अच्छा पाया गया है। ज़्यादातर स्टडीज़ में ये जो उन्होंने बोला है या ज़्यादातर बेनिफिट्स बोले हैं वो ज़्यादातर इस बात से रिलेटेड है कि सेल्स की हीलिंग को ये इम्प्रोवाइज करता है, हार्ट के या बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स हैं वहाँ सेल्स का रीजनरेशन प्रॉपर्टीज़ को बेटर करता है, इसलिए ये हेल्थ के अच्छा है। ये चीज़ों में क्लियर कट कोई साइंटिफिक एविडेंस ना है और ना हो सकता है कि ये एक्चुअल में कितना बेनिफिट कर रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अनसाइंटिफिक वे में मान लेना पड़ता है कि ऐसा होगा, पर इसका कोई प्रूफ नहीं होता यूजली। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि अर्जुन छाल का चाय अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो एक चौथाई चम्मच उसको पानी में लेके उसको जब तक पूरी तरह घुल जाए तो उस तक बॉयल करना चाहिए, उसके बाद उसमें थोड़ा चीनी या शहद डाल के उसको ठंडा करके उसको दिन में लगभग दो बार पीना चाहिए। इसके लिए आप उसका जो छाल आता है उसको पानी में घोल के उसको छाल को निकाल करके उसको आप प्रेफरेबली लंच या डिनर के बाद लें और पानी में घोल के उसका चाय बना के अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अंत में मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये हार्ट फेलियर की मेडिसिन के हिसाब से प्रमोट की जाती है, हार्ट वीक वाले पेशेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट है, मैं इसको नहीं प्रिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों का बेनिफिट कोई ट्रस्टेड नहीं है। बाकी चीज़ों के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के बदले मत कीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन के बदले मत कीजिए, जिस चीज़ों के लिए ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है उनको ज़्यादा प्रेफर करना ज़रूरी है, जो चीज़ों के लिए साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है उनको हम यूजली अवॉइड करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें ये डिस्कस करते हैं कि सारा साइंस ही बेकार है, सारा रिसर्च ही बेकार है, सब चीज़ें पैसे के बेसिस पे चलती है, सब चीज़ें बायस्ड होती है, कुछ सच्चाई है इस चीज़ों में, लेकिन इसमें आप दुनिया के सिस्टम को पूरा चेंज नहीं कर सकते, आप ये दुनिया से विद्रोह नहीं कर सकते कि यहाँ पे 10 जगह बेमानी चलती है तो मैं साइंस को ही नहीं मानूंगा, मैं सब चीज़ों को नहीं मानूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको साइंस से जुड़ी हुई हर चीज़ों को नकारना पड़ेगा, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, टेलीविज़न हो, सब चीज़ तो साइंस से ही आता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये चीज़ में मैं साइंस को मानूंगा और ये चीज़ में मैं साइंस को नहीं मानूंगा। 50 तरह की दवाइयाँ आती है, उसमें अगर दो चार दवाइयाँ ऐसी है भी
जो कि मार्केटिंग की वजह से प्रमोट की जाती है, तो वो चीज़ों को भी आपको प्रॉपरली पढ़ के समझ के फिर यूज़ करना चाहिए। आप पूरी तरह से साइंस को नकार करके अनसाइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करना चालू कर दें, ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आपको साइंटिफिक चीज़ों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया वाले सब बेवकूफ़ है और हम ही समझदार हैं, हम ही अनसाइंटिफिक चीज़ों को करेंगे और हमको ही फ़ायदा होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो पूरी दुनिया में 99% लोग यूज़ करते हैं, आपको भी मोर और लेस घूम फिर के वही चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बेस पे एटलीस्ट कुछ साइंटिफिक एविडेंस तो है। अपने इंडिया में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ों को प्रीच करके प्रैक्टिस करके चला जाता है, आपको 10 चीज़ें बता देगा कि ये चीज़ खाने से मेरे सौ पेशेंट में ठीक हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर किसी ने कोई ऐसा फेक क्लेम किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, वैसा नहीं होता। यही सब चक्कर है कि बहुत सारी फेक थेरेपीज और बहुत सारी फेक चीज़ें, किलेशन थेरेपी, ईसीटीपी थेरेपी और ये सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है। ये होने का रीज़न यही है कि अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सही नहीं है। इस तरह के फेक क्लेम्स करने वालों पर कोर्ट केस नहीं होते, इसलिए ये सब चीज़ें इंडिया में प्रैक्टिस होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा फेक क्लेम किया और पेशेंट को बाद में फ़ायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया, तो पेशेंट आपको कोर्ट में घसीट लेगा। तो इसलिए वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें को नहीं यूज़ कर सकता, वहाँ लोग साइंटिफिक चीज़ों को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ इन तरह की अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें गलत है या आयुर्वेदिक पूरा साइंस ही गलत है। मेरा ऑब्जेक्शन बस यही है कि ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आपकी रिस्क पर इसको यूज़ कर सकते हैं, पर रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन जिनका ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल है उनको ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप उनको नकार के इनको उसके बदले यूज़ करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। यूजली लोग इस तरह के कंटेंट के लिए डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन आधी कचरी जैसी होती है, आधा ज्ञान मिलता है जो कि आपके पेशेंट्स के लिए कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी कर जाता है। हम चाहते हैं कि साइंटिफिकली करेक्ट डेटा जो आपके लिए अवेलेबल है वो इजीली एक्सेसिबल आपके लिए करें, ताकि आप बीमारी को समझ सकें, बीमारी के प्रॉब्लम्स को समझ सकें, पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें और पेशेंट्स की बीमारी को डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस वगैरह हैं जो आपको लगता है कि हमें चैनल पे इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे चैनल पे इस टॉपिक को पूरा देखा। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक्स में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे करना चाह रहा था आपको वो मिल गई होगी, साधारण भाषा में आपको समझ भी आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।